कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ न जाए, क्योंकि डर लगता है कि कोई अपना हमसे रूठ न जाए। कहते हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा ईगो होता है और हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ। राइचियसनेस हर व्यक्ति में बिल्कुल एक एक डीएनए में, एक एक सेल में घुसा हुआ है। तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच हूँ, एक सेमिनार लीडर, लैंडमार्क फोरम हूँ। और आज बात करने वाला हूँ कि कभी कभी ठीक है अपने भी लोग जो है वो रूठ जाएंगे यदि उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उनके ईगो को खाद नहीं डाला। तो हर एक को ईगो है, मतलब जब हम किसी को पूछते हैं कि भाई तुमको ईगो है क्या, बोलता नहीं नहीं मुझे तो बिल्कुल ईगो नहीं है। तो ईगो नहीं है ऐसा मानना या ऐसा समझना, यह सबसे बड़ा ईगो है। क्योंकि हर एक आदमी ईगोइस्टिक है, फ़र्क इतना है कि हम कितना ईगो हमारा कम कर देते हैं, छाटते जाते हैं। हमारा ईगो हमने कम करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो है वो कभी हमारे ईगो के फुलफिल नहीं होंगे। ईगो अपसेट होता है, ईगो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी गलती भी नहीं है, मगर वो मानना पड़ता है कि ठीक है भाई मेरी गलती हुई, क्योंकि हमने माना नहीं तो अपने वाले भी रुक जाएंगे। आज की बात है, एक पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती था, मानसिक रुग्ण है, उसके पिताजी हमारे मेरे पास में आए, बोले आपके लोगों ने हमको ये नहीं बताया कि आज का हमारा शॉक ट्रीटमेंट है, और वो शॉक ट्रीटमेंट है हमको बताया नहीं, तो हमारे पेशेंट ने पानी पी लिया। क्योंकि आपको पता है कि शॉक ट्रीटमेंट के पहले कुछ खाना पीना नहीं पड़ता है, खाना पीना नहीं चलता, पानी भी नहीं चलता, चाय नहीं चलती, और हमारे पेशेंट ने तो पानी पी लिया। फिर मैंने बोला यार हमारी गलती हो गई होंगी कि भाई हमारे लोगों ने वो देखा नहीं, मतलब आपको बताया नहीं। फिर मैंने इंक्वायरी किया, फिर हमारे जो स्टाफ के लोग बोले हमने तो इनको चिट्ठी बांटी ना, हम रात को चिट्ठियाँ बांटते हैं हर व्यक्ति को, और चिट्ठी ऐसी रहती है कि भाई कल सवेरे डॉक्टर का राउंड होने तक सुबह पेशेंट को खाना पीना कुछ भी देने का नहीं। मैंने देखो आपके पास में चिट्ठी है, फिर आपने क्यों दिया पानी? अभी बोलने की क्या जरूरत है कि शौक है कि शौक नहीं है, कि हमारा राउंड होने तक देना ही नहीं आपको कुछ, क्योंकि हम सवेरे डिसाइड करते हैं कि शौक देना कि नहीं देना। नहीं नहीं बोले वो तो, मगर आपके आदमी ने बोला ही नहीं ना, मैंने आपको चिट्ठी दिया था ना। बोले मैं अनपढ़ हूँ ना। बोला फिर आपने ये बोला क्या कल कि भाई मैं अनपढ़ हूँ, आप क्या चिट्ठी दे रहे, मेरे को समझता नहीं, या फिर आप अनपढ़ है तो आपने किसी को पूछ लेना भाई चिट्ठी में क्या लिखा है। नहीं नहीं मगर आपने बोलना चाहिए था ना। मगर वो अपना छोड़ने को तैयार नहीं है। हर आदमी को लगता है कि मैं राइचियस हूँ, मैं सही हूँ, मैं बराबर हूँ, और सामने वाला गलत है। फिर मैंने बोला ठीक है भैया, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे आदमी ने आपको बोला नहीं, क्या आप मुझे माफ़ करोगे? फिर आदमी एकदम गदगद हो गया, बोले नहीं नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है वगैरह वगैरह, शांत हो गया। क्या होता है कि माफ़ी मांग लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मगर हम बोलते नहीं नहीं मैं तो माफ़ी मांगूंगा ही नहीं, सॉरी तो मैं बोलूंगा ही नहीं। सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं किसी से भी, अपनों से भी, परायों से भी, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं नहीं मैं सही हूँ, और सामने वाले लगता कि मैं सही हूँ, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए हर आदमी का दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग होता है। हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से सही है, अपने अपने तरीके से सही है, और उसको लगता है कि सामने वाला गलत है। और सभी प्रॉब्लम्स जो है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपसी मतभेद, आपसी रिश्ते जो टूट जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, उसका कारण ही यही है कि हर आदमी का ईगो है, हर आदमी कंप्लेन करते रहता है, और हर आदमी को लगता है कि मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, मैं जो सुनता हूँ वही सही है। हालांकि वैसा रहता नहीं है। अल्टीमेटली समझो आपको लगता ही है ऐसा, तो आपने बोलना ठीक है आपका कहना ऐसा है, मेरा कहना ऐसा है, हम दोनों इसके ऊपर डिसएग्री होते हैं। नहीं 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 मगर आप कहना ऐसा कैसा बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरा कहना सही है, मेरा ही कहना सही है। मैंने ठीक है भैया तेरा कहना सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा उसको बोल के माफ़ी मांग लेना, कार्यक्रम खत्म। तो जीवन में देखो कहाँ कहाँ हम लड़ते झगड़ते बैठे हैं, कहाँ कहाँ हमारा ईगो हम उसको खाद डालते हैं, सेटिस्फाइड करने के लिए दौड़ते रहते हैं, कोई सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। लोग अपने अपने ईगो को खाद पानी डाल रहे हैं। आपको यदि जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीना है तो ईगो बाजू में रखो। ठीक है भाई गलती हो गई, सामने वाला बुरा गलती हो गई, ठीक है भाई गलती हो गई, माफ़ करो, चलो हट जाओ वहाँ से। ये करेंगे तो ही मतलब आप सक्सेसफुल होंगे, तो ही उसमें अच्छा ही था, नहीं तो फिर आपको अपसेट ही रहना पड़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।